तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपकमिंग जुडिशियरी एग्ज़ाम यूपीपीसीएसजे को लेकर। तो यूपीपीसीएसजे को लेकर अभी आप लोगों के फाइनल मार्कशीट आई हैं बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि जीएस और लैंग्वेज बैरियर की वजह से उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है, जो कि सच्चाई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज डिस्कस करूंगा अबाउट जीएस पेपर को लेकर। हम लोग डिस्कस करेंगे और जीएस पेपर के प्री और मेंस को लेकर, प्री और मेंस को लेकर हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आज इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या तौर तरीके होने चाहिए ताकि प्रीलिम्स कितना भी टफ लेवल से एग्ज़ाम आए आराम से निकल जाए प्यारे साथियों। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो प्रीलिम्स एग्जाम आप लोगों का होगा जीएस पेपर का, जीएस का जो आप लोगों का प्रीलिम्स होगा, ये 150 एमसीक्यू इसमें आएंगे आपके, 150 एमसीक्यू और 150 नंबर का ये प्रीलिम्स में होगा। और इसमें 9 माइनर एक्ट भी आप लोगों के इंक्लूड हैं। लास्ट ईयर जो है 9 माइनर एक्ट के 15 नंबर का अप्रोक्स 15 क्वेश्चन 9 माइनर एक्ट के आए थे। बाकी आप लोगों का जीएस पेपर था और काफ़ी टफ और चेंज था काफ़ी सिलेबस। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अब ला का जो पेपर है आप लोगों का वो 200 का होता है, इसमें भी आप ये जो है आपका इसमें भी 150 एमसीक्यू होते हैं और ये 300 मार्क्स का होता है। इन्हीं दोनों को मिलाकर जो है वो कट ऑफ मिलती बनती है 450 में से। मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर क्लियर बता देना चाहता हूँ प्रीलिम्स निकालने के लिए, कि आप लोगों को ला के साथ साथ जीएस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपकी प्रीलिम्स निकल जाए। बहुत सारे लोग ऐसे थे अभी 2022 वाले में जिनका वो लास्ट 2018 में इंटरव्यू देखा है, परंतु इस बार दुर्भाग्य से प्री भी नहीं निकला, बिकॉज पेपर का लेवल ही कुछ इस तरीके का बन गया था। और कट ऑफ आप लोगों ने देखी थी कि वो 280 के अप्रोक्स जो है प्रीलिम्स की कट ऑफ गई थी। इस बार आप लोग अगर देख रहे होंगे तो 270 या 280 के बीच की कट ऑफ थी। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जीएस पेपर में जो अभी से आप लोगों को किन किन सब्जेक्टों को तैयारी डीपली आपको कर देनी है, और इसको लेकर एक नया बैच, एक बिल्कुल फाउंडेशन बैच, प्री कम मेंस दोनों उसमें होंगे। एक 16 नवंबर से सुबह 9 बजे से ये बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9 AM से। और मैं सत्येंद्र टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपने अगर ये मुझे फॉलो कर लिया, मतलब जीएस को लेकर, तो इतनी गारंटी मेरी है ना तो आपका प्री रुकेगा और ना आपका मेंस रुकेगा। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, यदि इस वीडियो को कोई पुराने बच्चे देख रहे हैं बैचेस के या फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जीएस पेपर को लेकर ही टारगेट फॉर आईक्यू जो है वो ज़्यादा जाना जाता है जुडिशियल एग्जाम को लेकर। तो 16 नवंबर को 9 AM से पहली क्लास होगी, फाउंडेशन क्लास, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 7500110314 पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या हम लोग कराएंगे या क्या क्या आप लोगों को करना चाहिए, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा आप लोगों का, ठीक है, ज्योग्राफी होगा और आपका जनरल साइंस होगा, और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट होगा आप लोगों का, और इन्वायरमेंट में आप लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगा, साइंस एंड टेक होगा आप लोगों का, और इसमें 2011 की जनगणना पिछले साल तो नहीं आई थी पर हम जरूर कराएंगे, और यूपीजी के थोड़ा सा यूपीजी के आप लोगों का रखेंगे, और बाकी जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो करंट अफेयर और आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन इसमें हम लोग जो है कराएंगे। साथ में इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, एक एक सब्जेक्ट वन बाई वन करके। आप लोगों को क्या चाहिए, इन सभी की डिटेल स्टडी और बार बार रिपीटेशन और रिवीजन, ये बहुत मैंडेटरी है। अगर ये आप लोग बार बार रिवीजन और मैंडेट रिवीजन करेंगे तो आप लोग, अब देखो टारगेट में बताता हूँ, अब जैसे आपके आपके अगर मैं बात करूँ जीएस पेपर में, आप मान लीजिएगा 150 क्वेश्चन है, 150 में से ऐसे मान लेते हैं कि 25 नंबर के आपके 9 माइनर एक्ट आ गए, बाकी बचा 125 का। तो 125 में से आपको जो टारगेट बनाना है, केवल टारगेट, निगेटिव विगेटिव कट फिट के जो टारगेट बनाना है, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आपको जो टारगेट बनाना है ना वो केवल 75 एमसीक्यू आपको सही करने हैं
इस 1/25 में से, गारंटी दे रहा हूं। और 25 में से 9 माइनर एक्ट में से आप गिर पड़ के ज्यादा भी नहीं तो 15 प्लस तो इसमें से भी सही कर दोगे, 15 ए और 75 ए, तो ये कितने हो गए आपके, अगर हम जोड़े तो ये 90 एमसीक्यू आपके सही हो गए। और यदि प्री में आप 90 एमसीक्यू सही कर रहे हैं किसमें, जीएस पेपर में, तो कोई भी आपका किसी भी हालत में रुकेगा नहीं प्रीलिम्स, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। तो 75 नंबर का टारगेट बनाना है आपका जीएस वाले पार्ट में, और अगर इसके साथ आप माइनर एक्ट को घटा बढ़ा सकते हैं जो मैंने आपको आइडिया दिया, इसी को स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है किन किन टॉपिक्स को आपको कवर अप करना है, ठीक है। डीप और डेली एमसीक्यूज भी मैं कराऊंगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोग भी करिएगा, और साथ में डेली करंट अफेयर की एक स्पेशल क्लास इसमें हम साथ के साथ रखेंगे, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें एक चीज और बताऊं, अब चलते हैं मेंस पेपर पर। जीएस मेंस की जो क्लास होगी आपकी वो होगी 12:10 PM से दोपहर में, और इसमें जो कंटेंट है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हम डेली कराएंगे। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पहले एंशियंट हिस्ट्री के मेंस के क्वेश्चन, मेडाइवल हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साथ में साइंस एंड टेक के, और नए नए आर्ट एंड कल्चर के, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे, साथ में आपका पूरा करंट अफेयर होगी। तो इसमें, और ये मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी, आपको बाहर से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, और ये हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। पिछले बार आपने देखा टोटल 53 सिलेक्शन हुए, उनमें से 41 या 42 कैंडिडेट हमारे बैचेस के थे, बाकी सब इंटरव्यू के थे 9-10, और उन वो सारे के सारे जीएस बैच के थे। आप देखेंगे 100 प्लस मार्क्स होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हु बिकम ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो आप लोग प्लीज इसे फॉलो कर लीजिएगा प्री और मेंस को लेकर। मैं 16 नवंबर को आ रहा हूं, और 16 नवंबर को 9 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल करिएगा। इसमें मेंस में आपको कौन सा आंसर फॉर्मेट सिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है ये सिखाऊंगा, और कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, छोटे क्वेश्चन को कैसे, मेंस को बड़े को कैसे, और इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, डेली आपको होमवर्क होगा, साथ में इसमें कॉपी चेक भी होंगे, ठीक है। यदि आपकी कोई क्वेरी तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख देना। थैंक यू।